बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपको गाइड करने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन के जो तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है उसके बारे में, और जो पेंशनियर हजरात हैं उनके जो पेंशन में इजाफ़ा किए गए उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को लाजमी आखिर तक देखा करें, ताकि आप लोगों को हर एक बात अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पंजाब सरकारी मुलाजमीन जो हैं उन्होंने काफ़ी हद तक ये बात छेड़ी कि उनके तनख्वाहों को में इजाफ़ा कर दिया जाए, लेकिन उनको उनके तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया था, इसलिए बहुत से लोगों ने धरने दिए। तो उसका नतीजा जो सामने आया है, तकरीबन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके जो तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है, तकरीबन 30% तक पंजाब में सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया। लेकिन पेंशनियर अफराद जो है उनके लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि उनके जो पेंशन थे उसमें जो इजाफ़ा किया गया था पंजाब में, तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ 5% के हिसाब से उनके पेंशन में इजाफ़ा किया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की नई इन्फॉर्मेशन, मैंने सोचा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।